स्वच्छता में पंच लगाकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाला इंदौर शहर अब सिक्स लगाने की तैयारी में जुटा है। निगम के सफाई अभियान में न सिर्फ आम जनता बल्कि अब दुकानदारों का भी साथ मिलने लगा है। इसी के चलते 56 दुकान बाजार एसोसिएशन ने नगर निगम इंदौर से टाइल्स सफाई के लिए ऑटोमेटिक मशीन की मांग की है, ताकि देश भर से आने वाले पर्यटक 56 बाजार के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने के साथ साथ स्वच्छता का संदेश भी लेकर जाए। 56 दुकान बाजार इंदौर की पहचान के रूप में स्थापित हो चुका है। देश का ये दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब तो है ही, स्वाद के लिए भी ये बाजार अपनी पहचान रखता है। अब एसोसिएशन के पदाधिकारी चाहते हैं कि ये बाजार स्वच्छता के लिए भी पहचाना जाए, जिसको लेकर 56 दुकान बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल से मुलाकात कर बाजार में लगी टाइल्स की सफाई के लिए ऑटोमेटिक मशीन की मांग की है। गुंजन शर्मा के अनुसार बाजार में VIP मूवमेंट अधिक होता है, इसके अलावा देश भर के पर्यटक इस बाजार में आते हैं। हमारा प्रयास है कि वे इस बाजार से स्वाद के साथ स्वच्छता का संदेश भी लेकर जाएं। सफाई के लिए अभी तो यूँ है कि हमने प्राइवेट एजेंसी से लीटर पिकिंग और जो यहाँ से कचरा फेंकने का काम है वो किया हुआ है। महीने में दो बार हम लोग फ्लोर क्लीनिंग करा रहे हैं, प्राइवेट एजेंसी से दो बार क्लीनिंग होता है। पर कल जब कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि हमें एक ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग मशीन लेके दे दें, तो VIP मोमेंट या जब भी ये क्लीनिंग का काम होता है अगर ये रेगुलर चलता रहा तो एटलीस्ट जो हमारी ये टाइल्स है ये तो एकदम क्लीन रहेगी। और ऑटोमेटिक सिस्टम होता है तो एक आदमी ही पूरे परिसर को क्लीन कर सकता है। तो आयुक्त महोदय ने आश्वासन तो दिया है कि 23 के बाद में हम देखते हैं कुछ करेंगे, हमारी उम्मीद है कि मिलेगा। क्यों चाहते हैं कि सफाई इतनी? क्योंकि टाइल्स को अगर साफ़ करना है तो मशीन के अलावा उसका कोई भी रास्ता नहीं है। अभी जिस मैनुअल मशीन से हम लोग ये काम करते हैं उसमें तीन आदमी पीछे वाइपर लगाने के लिए लगते हैं, तो एक मशीन के साथ 5 लेबर लगता है। नहीं, जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है तो ये मार्केट भी जो है, अब VIP मोमेंट इस मार्केट का इतना ज़्यादा है कि जितने भी बड़े ऑफिसर्स या बाहर से कोई भी आता है तो उसका मोमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा है। जब हमने सफाई के लिए पहला कदम यहाँ पे रखा था तो हम सोचते हैं कि हम इसकी निरंतरता को बनाए रखें और इस तरीके से बनाए रखें कि आने के बाद में आगंतुक को ये एहसास होना चाहिए कि वो इंदौर शहर में खड़ा है।